हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज के स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कवरी ऑफ सिल्क के बारे में पढ़ेंगे और इसी के साथ आपका ये लेसन का द एंड हो जाएगा। पढ़ते हैं स्टूडेंट डिस्कवरी ऑफ सिल्क के बारे में। डिस्कवरी जो है सिल्क की उसने चाइना ने की। सिल्क का डिस्कवरी किसने की है? चाइना ने किया है। बहुत समय पहले सिल्क की डिस्कवरी जो है चाइना ने की है। ऐसा कहा जाता है चाइनी जो इम्प्रेस है, मतलब चाइना के एक राजा थे जिनका नाम था सी लुंग छी, उसने अपने इम्प्रेस से अपने साम्राज्य में हो रहे मालबेरी की ट्री के पत्तियों के डैमेज होने के कारण के बारे में पूछा। तो उनके गार्डन में जो हो रहे पत्ती मालबेरी की पत्तियों में डैमेज के बारे में पूछा तो उनके इम्प्रेस ने बताया कि मालबेरी की जो लीफ है उस लीफ पर एक वाइट कलर का वर्म जो है पाया जा रहा है जो उस लीफ को क्या कर रहा है, ईट कर रहा है। इन्होंने ये भी नोटिस किया कि देखा कि जो वर्म है वो स्पाइनिंग साइनिंग कुकन का फॉर्मेशन भी अपने चारों तरफ कर रहा है। अब चाइनीज के जो लोग थे वो चाय का भी डिस्कवर उन्हें किया हुआ, चाय की खेती भी उनके यहाँ होती है और सबसे नंबर वन प्रोडक्शन भी चाय का होता है। तो बाय द वे किसी अचानक जो कुकन है उनके टी कप में गिर गया एक्सीडेंटली कहिए। ये चाइनीज लोग तो कीड़े मकोड़े खाते भी हैं, तो मान लीजिए कि वो उन कीड़ों को खाने का प्रयास किए होंगे तो उसको चाय में डाले होंगे। तो हुआ क्या कि जो कुकन है उससे सिल्क जो है सेपरेट हो गया और डेलिकेट से सिल्क और कुकन से सेपरेट होके उस चाय के प्याली में फ्लो करने लगा और एक्सीडेंटली जो है सिल्क क्या हो गया, डिस्कवर हो गया। बाय चांस सिल्क का डिस्कवर हो गया 100 ईयर्स पहले। लेकिन इसके बारे में जो चाइनीज पीपल्स थे वो किसी को बताते नहीं थे। बाद में जो ट्रेडर्स हैं व्यापारी हैं वो चाइना के ट्रेवल्स किए तो वहाँ से सिल्क को अदर कंट्री में ले गए और वहाँ पर प्रोडक्शन क्या किया इन्होंने स्टार्ट किया। सिल्क प्रोडक्शन में अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया भी सिल्क प्रोडक्शन में एक बहुत अच्छा खासा प्रोडक्शन करने वाला कंट्री है, सिल्क प्रोडक्शन करने वाला कंट्री है। इंडिया में अगर देखें तो इंडिया में लार्ज नंबर ऑफ जो वुमेन्स औरतें हैं इस सिल्क प्रोडक्शन इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हुई हैं और इसमें वेरियस एक्टिविटी औरतों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है सिल्क प्रोडक्शन में, जैसे सिल्क वर्म का रियरिंग करना, सिल्क का रीलिंग करना, कुकन को प्रोसेस करके उससे फैब्रिक्स बनाना, सिल्क प्राप्त करके रॉ सिल्क से क्या बनाना, फैब्रिक्स बनाना। आज इंडिया में लार्ज अमाउंट में जो वुमेन्स हैं इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं और जॉब करती हैं जिससे कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बनी हुई हैं। तेरा हिस्ट्री ऑफ सिल्क डिस्कवरी यानी ओरिजिन ऑफ सिल्क अगर कहें तो ओरिजिन ऑफ सिल्क कंट्री का नाम क्या है तो चाइनीज है। चाइनीज में सिल्क का सबसे पहले डिस्कवरी हुआ था।